कहते हैं भगवान कण कण में मौजूद हैं। ऐसा ही कुछ इटावा के एक हनुमान मंदिर में देखने को मिला है, जहां हनुमान जी की जीवित मूर्ति आज भी है। शहर से 8 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे बीहड़ में बने इस मंदिर में हनुमान जी लड्डू खाते हैं। दूर दराज से लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं और ये मंदिर पिलुआ वाले महावीर के नाम से भी मशहूर है। इस हनुमान की मूर्ति के चमत्कार का आलम तो ये है कि कई सालों से कोई भी श्रद्धालु मूर्ति का मुख भरने का साहस नहीं कर पाया है। इटावा से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी श्रद्धालु यहाँ राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। दिन से छोटे से आ रहे बचपन से, यहाँ से बहुत अच्छे भक्त जो मांगते हैं वही मिलता है यहाँ पे। हर मंगल को आते हैं। कितनी भीड़ होती है? बहुत सी भीड़ होती है, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि भारत में दक्षिण मुखी लेटी हुई हनुमान की मूर्ति इटावा के अलावा सिर्फ इलाहाबाद में है। और इस मंदिर में स्थापित मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई इस मूर्ति का पेट नहीं भर सका है, लेकिन अगर आस्था सच्ची हो तो एक लोटा दूध भी बाहर छलक आता है। भादों के पूरे महीने में भीड़ की संख्या कम से कम 5 लाख है एक महीने में, और प्रत्येक मंगलवार को 10,000 से लेकर के 20,000 लोगों तक की भीड़ होती है। शनिवार को भी भीड़ होती है, लेकिन शनिवार को हल्की भीड़ होती है, मंगलवार को ज़्यादा होती है। और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 100, 200, 500 यात्री ना आता हो। तो 11:30 बजे रात के बाद हनुमान जी के मुख से राम राम की धुन निकलती है और लगातार हनुमान जी राम राम जी का भजन करते रहते हैं। ये वास्तव में मैंने भी सुना है, आप चाहें तो आप अनुभव कर सकते हैं। मूर्ति के मुखार बिंदु में जो भी जल, दूध, लड्डू, प्रसाद आदि डाला जाता है वो सीधा मूर्ति के उदर में चला जाता है। आज तक इस मूर्ति के मुखार बिंदु में हजारों टन प्रसाद श्रद्धालुओं ने चढ़ाया है, लेकिन मूर्ति का मुखार बिंदु अभी तक भरा नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में भी इसका शोध किया गया, परंतु ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि इसमें कौन सी तकनीक है जो प्रसाद, दूध, जल का कहीं निकलना नहीं होता, वो कहाँ चला जाता है। वैज्ञानिकों के लिए भी ये रहस्य बना हुआ है। आखिर वो कौन सा दौर था और उस दौर में कौन सी तकनीक थी जो इस मूर्ति को बनाया गया।